हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रोदर नेटिंग मशीन पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े ही पैसों में। तो पूरा वीडियो देखते रहना है आपको। इस तरह का एक स्टैंड लेना है, ये आपको जो मैं मशीन दिखा रहा हूँ इस मशीन का नाम है ब्रोदर KH821। ये निटिंग मशीन है जो कि बुनाई करती है, बच्चों के कपड़े बनाती है। अच्छे अच्छे स्वेटर डिजाइन वगैरह आप इसे सब बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चैनल हैं, वीडियोस हैं, आप देखकर बना सकते हैं। बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे वो सिर्फ आपको मैं ही बताऊंगा। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो आपको दिखाई देता हूँ मशीन के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, किस तरीके से मशीन को सेट किया जाएगा। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता रहूँगा अगर आपको बिजनेस करना है तो किस तरीके से आप ये मशीन ले कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहना है, स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे मशीन के अंदर जो जो हमें सामान मिलने वाला है वो देख लीजिए। एक तो हमारी कंघी है जो कि बॉर्डर बनाने के काम आती है, लेस कैरिज है, एंटीना है और आर्म प्लेट है। अब इसके दो स्टैंड और होते हैं जिनके पे कैरिज को रोका जाता है साइड में। ये देखिए बहुत सी जगह क्या करते हैं, मशीन देते वक्त इसके ये स्टैंड निकाल लेते हैं और या तो फिर लेस कैरिज निकाल लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो बॉक्स के अंदर देखिए क्या क्या टूल्स आपको टूल मिलने वाले हैं। यहाँ पे रिपेयरिंग टूल है, एक सबसे पहले आपको नीड है, टूल मिलेगा जिससे कि सुइयां वन बाय वन की जाती हैं। ट्रांसफर टूल है, दिए गए हैं, ये सिलाई है जो कार्ड को सपोर्ट करती है, वेट है, यार्न वैक्स है। तो इसमें ज़्यादातर सामान जो यूज होने वाला है वो सभी इसमें दे दिया गया है। बस एक मीटर जो आता है वो इसके अंदर नहीं है क्योंकि मीटर काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है और उसका जो चार्ज है वो जुड़ के आता है पहले से ही, तो इसलिए इस मशीन के अंदर उसका चार्ज नहीं जुड़ के आएगा। तो आपको मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप नई मशीन ले रहे हैं तो जो मीटर होता है उसे ना ले क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। ये क्लिप है, सारा सामान मैं आपको एक बार साइड में रख के दिखा देता हूँ क्या क्या सामान हमें मशीन के साथ मिला है और क्या क्या इसका यूज होगा। तो सारा सामान निकाल लिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वो सामान है जो इस मशीन के साथ आपको मिलेगा। दो कार्ड मिलेंगे अलग अलग डिजाइन के, बाकी फालतू के कार्ड जो चाहिए आपको वो आपको अलग से ऑर्डर करने पड़ेंगे। डिजाइंस आपको मैं दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है काफ़ी ज़्यादा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये वो कार्ड है जिससे हम बच्चों के स्वेटर बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंड है, जो क्लिप है जो कैरेज को रोक के रखता है कि इधर उधर हिले ना, उसको हटा लेंगे। हटाने का तरीका मैंने आपको दिखाई दिया वीडियो के अंदर। अब ये जो हमारा क्लिप है इसको साइड में रख देंगे और अपनी यार्न प्लेट को यहाँ से निकाल लेंगे। बस आपको ये सेट कैसे करना है ये ध्यान से देखना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड क्या करते हैं, जल्दबाजी में अच्छे से सेट नहीं कर पाते जिसकी वजह से फंदे नई मशीन में ही आने शुरू हो जाते हैं या फिर सुइयाँ टूटने लगती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है कि नई मशीन ली थी फिर भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है नई मशीन के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हो। तो आपको अच्छे से यहाँ पे सभी पार्ट्स को फिक्स करना है। तो ये देखिए हमारी जो आर्म प्लेट है वो लग गई है। अब यहाँ पे एंटीना निकाल कर लगा लेना है। एंटीना यहाँ पर लगेगा बीच में इसका जो स्लॉट दिया हुआ है वहाँ पे, तो एंटीने को भी निकाल लेंगे और उसके स्लॉट में लगा देंगे। लगाते वक्त आपको ध्यान ये रखना है जो भी इसका स्लॉट दिया हुआ है उसमें अच्छे से ये फिक्स करना है। काफ़ी फ्रेंड क्या करते हैं जो बिगनर्स होते हैं वो हल्का सा लगा देते हैं फिर उससे ये चारों तरफ घूमता रहता है, जबकि इसके अंदर भी एक प्लेट है कवर के अंदर, उसमें ये अच्छे से फिक्स होना चाहिए। ये देखिए अच्छे से फिक्स कर दिया है, अब ये इधर उधर नहीं हिलेगा ज़्यादा। अगर इसे अच्छे से नहीं फिक्स करते तो ये पूरा गोल गोल घूमता रहता है जिसकी वजह से सोचते हैं कि नई मशीन में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ जब होती है जब आपको इसे अच्छे से नहीं लगाते हैं। तो अब ये ऊपर की तरफ कर देंगे और इसमें धागा लगाकर इसको चलाएंगे। चलाने का वीडियो मैं जल्दी बनाकर आपको बताता रहूँगा। अभी हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास, नेटिंग क्लास। उसके बाद आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि आप किस तरीके से बुनाई कर कर पैसा कमा सकते हैं। एक दो स्वेटर बनाना नहीं बताऊँगा, पूरा एक स्टॉक अच्छे से बल्क में आपको बताऊंगा कहाँ से माल खरीदोगे और कहाँ आप बेच सकते हैं। तो यहाँ पे मशीन के क्लिप लगा लेते हैं जिससे कि मशीन चलाते वक्त साइड में ना हिले या स्टैंड से ना गिरे। तो दोनों साइड में हमें ये क्लिप लगा लेने हैं। क्लिप लगाने का काफ़ी आसान है, स्टैंड पे अच्छे से रखना है और जो क्लिप है यहाँ पर लगा देने हैं। अब हम यहाँ पर मशीन के अंदर
कार्ड लगाएंगे, कार्ड लगाने का तरीका पहले भी बताया हुआ है, आप देख लेना, नहीं तो आपको मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे से होल बने हैं जो कार्ड के अंदर, और जो नीचे हमारा कंप्यूटर होता है उसमें नोब्स बनी है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर फिक्स कर लेना है अच्छे से, और फिर मशीन का जो पीछे वाला हिस्सा है, जो पीछे से कार्ड निकल रहा है उसमें लॉक लगाने हैं। ये देखिए जो ये हिस्सा पीछे से आया है ना, इसमें हमें दोनों साइड लॉक लगा लेने हैं, फिर उसके ऊपर आगे वाला कार्ड रख के फिक्स कर देना है, अच्छे से लॉक कर देना है। किस तरीके से ये आप देख लीजिए वीडियो के अंदर। तो हमें यहाँ पे दोनों लॉक यहाँ लगाने हैं, और जो इसका आगे वाला हिस्सा है कार्ड का, इसके ऊपर रख के उसको टाइट कर देना है, लॉक बंद कर देने हैं इस तरीके से। दोनों साइड इसी तरीके से करने के बाद आप मशीन चलाकर चेक करें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सुइयां अच्छे से काम कर रही हैं, कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में, और उसके बाद फिर आप इसके अंदर धागा ऊन लगा सकते हैं। स्पेशली लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस है, जो कि अपने घर बैठे आराम से 20-25 हज़ार रुपये कमा सकती हैं इस मशीन को लेने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।